सेकेंड टॉपिक ऑफ़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फीचर्स नेचर ऑफ़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस की प्रॉफिट्स अर्न करने के साथ साथ कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्स्ट पॉइंट मेड कंपल्सरी सी एस आर के कॉन्सेप्ट को कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के अंडर कंपल्सरी बना दिया गया है फर्म्स को उनकी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस यानी कि फॉलो करना पड़ता है सेकेंड पॉइंट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स कंपनीज की उनके स्टेक होल्डर्स जैसे सप्लायर्स इम्प्लॉइज कंज्यूमर्स और लोकल कम्युनिटीज के लिए खुद के सर्वाइव और प्रॉस्पर होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थर्ड पॉइंट अलाइनमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज सी एस आर के डेफिनेशन से यह पता चलता है कि कंपनी की सोशल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ जुड़ी होती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसका एक मेजर इशू है सी एस आर के इस फीचर से यह पता चलता है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होने से फॉर्म को इकोनॉमिकली बेनिफिट कैसे हो सकता है फोर्थ पॉइंट प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज सी एस आर में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया जाता है जो कि सोशल इश्यूज़ के साथ डील करती हैं इसके साथ ही सी एस आर सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो इन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करती हैं फिफ्थ पॉइंट प्रवेसिव एक्टिविटी सी एस आर एक परवेसिव स्टडी है क्योंकि यह मैनेजर्स की ऑब्लिगेशन होती है कि वो मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पे उनके स्टेक होल्डर्स के लिए उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करें सिक्स पॉइंट कंटीन्यूस एक्टिविटी सी एस आर किसी कंपनी की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जिसे एक या दो बार प्रैक्टिस किया जाए बल्कि कंपनीज को सक्सेसफुल होने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे उसकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना पड़ता है सेवन्थ पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज असेंशियल फॉर सी एस आर कोई कंपनी सिर्फ तभी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज या परफॉर्म कर सकती है अगर वो इकोनॉमिकली साउंड हो और उसके पास सफिशेंट प्रॉफिट्स हो अगर किसी कंपनी के पास काफ़ी प्रॉफिट्स हो, तो वो सी एस आर एक्टिविटीज़ के लिए और भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है।